तेहरान से सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसराइल पर हमले की ताजा धमकी दी है। इसके पहले अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि इसराइल पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। इधर इसराइल किसी भी हमले से निपटने की फुल एंड फाइनल तैयारी कर चुका है। बदले की आग में जलते ईरान की इसराइल पर हमले की तारीख कौन सी होगी? तीसरे हमले में ईरान इसराइल के खिलाफ करेगा कौन से हथियारों का इस्तेमाल? अली खामनेई ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग में हमले का कौन सा प्लान साझा किया है? इन सारे सवालों का जवाब हवा में तैर रहे हैं। जमीन पर दिख रहा है वो ये कि ईरान की इसराइल पर अटैक की फुल एंड फाइनल तैयारी हो चुकी है। इस तैयारी की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी इसराइल के उन शहरों की लिस्ट देखिए जिन पर ईरान मिसाइलें गिराने की तैयारी में दिख रहा है। तेल अवीव, हाइफा, अश्दोद, रिशोन लिजियन, नितन्या, बेरशेबा, होलोन। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पिछले हफ्ते ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को हमले की तैयारी का ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अब तक हमला नहीं किया, तो इसके पीछे के कारणों को जानने के पहले तेहरान से जारी नया फरमान क्या है वो देख लीजिए। باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ تسلیحات چه از لحاظ کارهای سیاسی هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هست. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान इस दफा पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अखबार ने एक ईरानी अफसर के हवाले से ये रिपोर्ट भी छापी है कि ईरान इराक के क्षेत्र का इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए कर सकता है। सूत्रों का हवाला देते हुए अल अरबिया न्यूज ने भी बताया है कि ईरान की सेना एक और हवाई हमला करने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट तब आई है जब खामनेई ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला था। खामनेई ने इसराइल के अक्टूबर के जवाबी हमले का कुचलने वाला जवाब देने का वादा किया है। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ईरान इसराइल पर अगर हमला करता है तो हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से ईरान द्वारा इसराइल पर किया गया ये तीसरा सीधा हमला होगा। इसमें संभावित रूप से ईरान के प्रॉक्सी समूह हमास, हिजबुल्ला, हूथी और इराक के मिलिशिया समूह भी शामिल हो सकते हैं। ईरान चारों ओर से इसराइल को घेरकर हमला करने की योजना पर काम कर रहा है। इसराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी के चलते ईरान के सामने समस्या है कि वो सिर्फ हवाई हमले ही कर सकता है, जिसके लिए उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें होनी चाहिए। कई रिपोर्टों के मुताबिक इन लंबी दूरी की मिसाइलों का ईरान के पास सीमित स्टॉक है, इसलिए ईरान का प्लान है कि जब वो हमला करे ठीक उसी वक्त गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्ला, इराक से उसके समर्थक मिलिशिया, यमन से हुथी विद्रोही सारे इसराइल पर टूट पड़े। इस स्थिति में इसराइल को एक साथ 5 फ्रंट पर लड़ना होगा, जिससे उसकी ताकत सिर्फ ईरान के खिलाफ पलटवार के लिए कमजोर पड़ जाएगी। इसराइल के सामने दुश्मनों की लिस्ट है। उसे पता है कि ईरान के बार बार हमले उसका बहुत नुकसान नहीं कर सकते और ईरान की प्रॉक्सी ताकतें जो दिनों रात उस पर मिसाइलें और रॉकेट बरसा रही हैं वो भी इसराइल को घाव तो दे रही हैं, लेकिन उसके अस्तित्व के लिए चुनौती नहीं बन सकती। यही वजह है कि
इसराइल ने ईरान के हमले की धमकी पर रिएक्शन दिया कि वो नहीं चाहता युद्ध, लेकिन उकसाने पर वो छोड़ेगा नहीं। ईरान इसराइल से एक कदम आगे रहने की चाहत में दो बार पहले हमला कर चुका है, जिसका पलटवार इसराइल भी दे चुका है, और अब तीसरी बार। इसराइल क्या अब की बार भी ईरान के खिलाफ सीमित अटैक ही करेगा, या इसे पूर्ण युद्ध मानकर ईरान पर दहलाने वाला हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 26 अक्टूबर को ईरान पर इसराइल के पलटवार के बाद अमेरिका खामनेई को ये चेतावनी दे चुका है कि पलटवार जैसी कार्रवाई करेंगे तो अंजाम भुगतना होगा, लेकिन ईरान के कान पर जू नहीं रेंग रही। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तेहरान तक ये मैसेज स्विस चैनल के जरिए भिजवाया है। वाला न्यूज के मुताबिक वाशिंगटन ने तेहरान को साफ संदेश दिया है कि इसराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका नेतन्याहू को जवाब देने से नहीं रोकेगा। इसके साथ अमेरिका इसराइल को दुश्मनों पर हमले में हर तरह से मदद पहुंचाना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे और पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने अमेरिका के नेक्स्ट एक्शन का ऐलान किया है। You all received reports about Iran potentially having a strike against a retaliatory strike from its proxies. That Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election. But we've been very clear that Iran should not respond. I said this on Wednesday. We will continue to support Israel. Our support for Israel's security is ironclad, and if they choose to do so, I'll say we will continue to support Israel as they continue to protect themselves. रक्षा का अधिकार ईरान को भी है, हमास को भी है, हिजबुल्ला को भी है, हुथी को भी है, और इसराइल को भी है, लेकिन अमेरिका यहां इसराइल के साथ है। ईरान पर इसराइल हमला करेगा और उसका जवाब इसराइल क्या देगा? अभी तक तो बस प्लान को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच बाइडेन को दी गई जानकारी के बाद पेंटागन भी अलर्ट मोड में आ गया है। यूएस एयरफोर्स सुपर एक्टिव कर दिया गया है। खामनेई की धमकी के महज 24 घंटे के अंदर पूरे ईरान में सैन्य हलचल बढ़ गई है। दूसरी ओर इसराइल डिफेंस फोर्स फुल और अटैकिंग मोड में है। इसराइल की भीषण बमबारी, जंगी जेट से मिसाइल प्रहार, टैंकों से बारूदी गोले की बौछार, तूफानी होता ग्राउंड ऑपरेशन, इसराइल का हिजबुल्ला पर हमला तस्वीर नंबर एक। मैं सैदून एरिया में हूं, ये साउथ लेबनान का एरिया है। इस साउथ में ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, किस तरीके से यहां पे गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि ये आप देखिए, ये वाला स्पॉट है, इस स्पॉट पे एयर स्ट्राइक हुई, यही वो स्पॉट है जहां पे रॉकेट या मिसाइल गिरा है, लेकिन उससे तबाही के साथ साथ ये गाड़ियां जो हैं ये हर तरफ से बर्बाद हुई हैं। इसराइल का हिजबुल्ला पर हमला तस्वीर नंबर दो। IDF ने एक टारगेटेड ऑपरेशन में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड बंकर को खत्म कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस अंडरग्राउंड ठिकाने से हथियार, टेंट, दवाइयां और ऐसे सामान मिले हैं जिससे साफ होता है कि इसका इस्तेमाल लंबे समय तक छिपने के लिए और इजरायल में घुसपैठ के लिए किया जाना था। इजरायल का हिजबुल्ला पर हमला तस्वीर नंबर तीन। इजरायली नेवी ने सिसेरिया तट पर एक UAV को मार गिराने का दावा किया है। रूटीन गश्त के दौरान इजरायल की नेवी को ये UAV दिखा था, जिसे तुरंत ही नौसेना ने अपनी मिसाइल से मार गिराया। इजरायली फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया है। और इसी तरीके की बर्बादी अब जगह जगह पे लेबनान में देखने को मिल रही है। तो ये जो आप मेरे इर्द गिर्द गाड़ियां देख रहे हैं, ये इसराइली एयर स्ट्राइक्स यानी इसराइली फोर्सेस की जो एयर स्ट्राइक्स लेबनान में हो रही हैं, उसकी वजह से ये इर्द गिर्द हर साइड से बर्बादी हो रही है। और बर्बादी को लफ्जों में बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये है यहाँ पे इस वक्त लेबनान का हाल, और लेबनान की रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन पे पहुंचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। वाहिद ऐसी टीम है जो कहीं पर भी डरती नहीं है और रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन से भागती नहीं है, रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन को दिखाने में कतराती नहीं है। इजराइल का हिजबुल्ला पर हमला तस्वीर नंबर चार। इजराइल ने हिजबुल्ला के एरियल यूनिट के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। IDF ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अली बराकत नाम के इस हिजबुल्ला कमांडर को मारा है।
अली बराकत हिजबुल्ला की एरियल यूनिट के लिए बैकबोन की तरह था। वो सिर्फ इसराइल पर मिसाइल और यूएवी हमले के लिए कमांड नहीं देता था, बल्कि अली बराकत क्रूज मिसाइलें और यूएवी कैसे बनाई जाती है इसका भी मास्टर था। और हिजबुल्ला के लिए अली बराकत ये काम करीब एक दशक से कर रहा था। इसराइल का हिजबुल्ला पर हमला, तस्वीर नंबर 5। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रविवार को दक्षिण लेबनान के सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 3 लोग मारे गए, जो पिछले 2 हफ्तों में इस क्षेत्र पर तीसरा हमला है। मंत्रालय और लेबनान की समाचार एजेंसी ने कहा कि हारेट सिडोन में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किए गए हमले में 9 अन्य लोग घायल हो गए। इन सारी तस्वीरों का वजूद इसलिए है क्योंकि ईरान इसराइल के अस्तित्व को नेस्तोनाबूद करना चाहता है और इसराइल ऐसा होने नहीं देगा। बस आशंका इस बात की है कि अगर अमेरिका की धमकी के बावजूद खामनेई की सेना इसराइल पर तीसरा हमला कर देती है तो क्या होगा। कहा जा रहा